या आप देख सकते हो सुपर लिखा हुआ खादी इंडिया प्राइस 7000 के आसपास, वो बिल्कुल सामने आप देख सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो गार्लिक, इसका प्राइस कपड़े की भी हनी है और जामुन सकते हो, और ये इसका जो प्राइस है वो है ना हुआ बोतल, तो आप देख सकते हो इसका अंडरी ये जितने का देख सकते हो। दोस्तों ये लेमन टी देख सकते हो, ये तेल निकालने की मशीन, ये पुदीना स्टिक है, आप देख सकते हो गुजरात की स्पेशल आइटम है, जो आप लोग सिर्फ सीरियल में देखते हैं। अंदर ये जो प्रोडक्ट है ये है, तो आप देख सकते हो सर ये है मिल्क शेक है ये वाला, ये इसी के अंदर का ये सब का जो प्राइस आप देख सकते हो सेम है, यही है इमली की चटनी, वही वाली चटनी होती है। हाँ दोस्तों, मैं वंचो, मेरे चैनल का नाम है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, और कमेंट एंड लाइक करना भी ना भूलें। ट्रेड फेयर देखना चाहते हो तो जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है प्रगति मैदान गेट नंबर 3, तो अभी आप मेरे बैक साइड देख सकते हो चुका है बंद। मॉर्निंग के टाइम जब आप आओगे तो जो ये मेट्रो स्टेशन है और गेट नंबर 3 है, आप मेरे बैक साइड देख सकते हो, ये होता ओपन और आप आ सकते हो, और इससे बिल्कुल पास में ही है, बिल्कुल यहाँ पड़ेगा मेरे बिल्कुल बैक साइड, आप देख सकते हो ये है ट्रेड फेयर का गेट नंबर 10। तो मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से गेट से आप एंट्री कर सकते हो, गेट नंबर 1 से भी एंट्री कर सकते हो, 11 से एंट्री कर सकते हो और 10 से, ओनली 3 गेट हैं जहाँ से आप एंटर कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो मैंने टिकट है वो परचेज कर लिया, इसका जो प्राइस पड़ा वो मुझे पड़ा है 60 रुपीज़ का। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं अंदर का नज़ारा। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ कहाँ, प्रगति मैदान, और यहाँ पर लगा हुआ है इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, और आप देख सकते हो आज बहुत ज़्यादा रश, और ये चलेगा अपना 27 नवंबर तक, 14 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और 14 से 18 नवंबर तक वो था बिजनेस डे का, उसमें जो टिकट के प्राइस थे वो थे 500, और उसके बाद 19 से 27 नवंबर तक जो ये चलेगा इसमें जो इसके प्राइस है वो है एडल्ट के लिए 60 रुपीज़, चाइल्ड के लिए 40 रुपीज़, सैटरडे संडे को छोड़ के इनके जो प्राइस है ये है, अगर आप सैटरडे संडे को आते हैं तो इनके जो प्राइस है वो हो जाएंगे डबल, एडल्ट के हो जाएंगे 120 और जो चाइल्ड है उनके हो जाएंगे 60। तो आप देख सकते हो चुकी है शाम, और मॉर्निंग में ये 9:30 से 5:30 बजे तक रहता है ओपन। तो दोस्तों हॉल को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, पहली जो कैटेगरी वो 7 और एंड ओपन एरिया, इसके अंदर आपको गवर्नमेंट ग्रुप्स पार्टिसिपेंट देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो हॉल है वो है 9 एंड 10 हॉल, इसके अंदर आपको फॉरन पार्टिसिपेंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है हॉल नंबर 11, इसके अंदर आपको हेल्थ सेक्टर, कॉस्मेटिक सेक्टर, किचन इक्विपमेंट्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स एंड टेक्सटाइल्स और फुटवेयर, ये सारे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद आता है लास्ट 12 एंड 12, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज पवेलियन। तो ये है 4 हॉल, इसके अंदर इसको डिवाइड कर रखा है, कैटेगरी बना रखी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कहाँ, स्टॉल नंबर 7 पे, और करते हैं वहाँ से शुरुआत। तो दोस्तों आप मेरे बैक साइड देख सकते हैं ये हॉल नंबर 7, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं अंदर का नज़ारा। तो दोस्तों मैं हॉल नंबर 7 के अंदर एंटर कर चुका हूँ, जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको बिल्कुल सामने दिखेगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो चलिए दोस्तों कहाँ चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे का नज़ारा, और आप बिल्कुल ऊपर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, खादी इंडिया, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। ये खादी इंडिया और ये हमारे महात्मा गांधी, देख सकते हो ये सारे प्रोडक्ट खादी से बने हुए हैं और हैंडमेड है, सबसे बड़ी बात तो ये हैंडमेड है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जितने भी प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे सारे लेदर से बने हुए देखने को मिलेंगे, और जो ये ब्रांड है वो है खादी इंडिया, आप देख सकते हो इसके ऊपर लिखा हुआ खादी इंडिया। तो और ये हैंडमेड प्रोडक्ट है, सबसे बड़ी बात तो ये है। सर आपका नाम क्या है? शमीम अख्तर, इनका नाम है शमीम अख्तर, और ये इनकी शॉप है और इनके पास बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, आप देख सकते हो। ये जो बैग है वो लैपटॉप बैग है, ये जो बैग है आप देख सकते हो लैपटॉप बैग है। तो सर इसका प्राइस क्या पड़ेगा? अच्छे, तो आप तो मार्केट में इसका जो प्राइस है 7000 के आसपास है, और हाँ और इनके पास ये मिल जाएगा आपको 4200 का विद डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो इसका जो प्राइस है काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, अगर आप बाहर से लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा, यहाँ पे आगे लोगे तो आपको क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी, और जो इसका डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आप देख सकते हो इनके पास बेल्ट भी है, ये बेल्ट है और ये लेडीज़ बैग है ना सर, ये लेडीज़ बैग है। इसका प्राइस क्या पड़ेगा?
3500। इसका जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 3500। इनका जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 600 का। तो आप देख सकते हो इनके पास बहुत सारी वैरायटीज़ है, डिफरेंट वैरायटीज़ है। लगेज बैग भी इनके पास अवेलेबल है, वो बिल्कुल सामने आप देख सकते हो। और ये महाराष्ट्र से है। कौन सा स्टॉल पड़ेगा भैया? ये खादी हॉल नंबर 7 ये पड़ेगा। आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हो इनके पास बहुत सारे पिकल्स है और सारे वेज है। ये कौन सा है? गार्लिक पिकल। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये गार्लिक पिकल, इसका प्राइस क्या पड़ेगा सर? 160। इसका प्राइस पड़ेगा 160 का। 200 MRP इसका। अच्छा, इसका जो MRP है वो है 200 और डिस्काउंट दे के इसका जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 160 का पड़ेगा। अमेजोन पे भी अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो इनका अमेजोन में भी अवेलेबल है, अमेजोन से भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। ये सारे हैंडमेड है। मैम आपका नाम क्या है? इनका नाम है रेनू श्रीवास्तव। ये जो पिकल्स है ये यही बनाती है। तो आप देख सकते हो इनका वेबसाइट भी है, वो अपने वेबसाइट पे खाना बनाना भी सिखाते हैं कि कैसे कुक किया जाता है। तो आप अपनी वेबसाइट का नाम बता सकते हो? इनकी वेबसाइट का नाम है lakshmirecipe.com। तो आप वहाँ जाके उस लिंक को गूगल पे सर्च करके अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो आप इनके वेबसाइट के थ्रू खाना बनाना सीख सकते हो। तो आप देख सकते हो ये इनके पास बहुत सारे वैरायटीज़ हैं। तो ये कौन सा है? लीची हनी। ये हनी, तो ये लीची हनी है। इनके पास तुलसी की भी हनी है और जामुन की भी हनी। तो आप देख सकते हो इसका प्राइस क्या पड़ेगा तुलसी वाले का? ये पड़ेगा 240 का। ये भी सेम रेट ही होगा जामुन हनी का। तो आप देख सकते हो इनका जो प्राइस है वो दोनों का सेम है, 240 का। वैसे MRP है इसकी 300 की है, विद डिस्काउंट पड़ेगा 240 का। तो आप देख सकते हो कितने सारे इनके पास वैरायटीज अवेलेबल है। ओके, ये मैम का पहला प्रोडक्ट है जो आमला का जाम है। इसका प्राइस क्या पड़ेगा मैम? 140 पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट। तो मैम का ये पहला आमला जाम है जो इन्होंने फर्स्ट टाइम बनाया था 2 किलो से। तो मैम ने 2 किलो से स्टार्ट किया था। तो आप देख सकते हो तो मैम आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। ओके, नाइस टू मीट यू। ये इनका स्टॉल, ये इनका जो स्टॉल है वो लक्ष्मी रेसिपी बिहार। तो मैम आप बिहार से हो? तो ये बिहार से हैं और मैं तो वेबसाइट बता ही चुका हूँ, जिनको कुक करना नहीं आता उनकी वेबसाइट पे जाके सीख सकते हैं कि कैसे कुक किया जाता है। ओके मैम, ओके, नाइस टू मीट यू। तो दोस्तों ये नेचुरल पावर, अगर आपको जुकाम है, कफ है, कोई भी चीज़ की शिकायत है तो आप इसको अपने हाथ पे लगा के नाक के अंदर लगाना है और सडनली एकदम से खींच लेना है। उससे क्या होगा कि जो आपका कफ होगा, कोल्ड होगा, नसला होगा और जो हेडेक होगी और जो एलर्जी भी होगी वो भी ठीक हो जाएगा। सर इसका प्राइस क्या पड़ेगा? ये पड़ेगा आपको, ओके, तो आप इसको 400 टाइम यूज़ कर सकते हो। और ये इसका जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ का प्राइस है। तो ये आप देख सकते हो ये स्प्रे है, हर्बल स्प्रे है। इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, अगर मान लो कोई छोटा बच्चा भी हो, अगर वो घर पर खेल भी रहा हो तो इस प्रोडक्ट को छूने से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी क्योंकि हर्बल प्रोडक्ट है। ये जो स्प्रे है सिर्फ मॉस्किटोज के लिए है, तो आप इसको मॉस्किटोज के लिए यूज़ कर सकते हो। इसका प्राइस क्या पड़ेगा सर? 150। इसका जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 150 का। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो कितने ML का होगा सर ये? 100 ML का। ये है 100 ML का, इसमें लिखा हुआ है 100% नेचुरल एंड हार्मलेस। तो आप देख सकते हो कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो इनके कंपनी का नाम है लवली हर्बल। ओके, अनन्या हेल्थ केयर आपकी दूसरी कंपनी है? ओके, तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ आप कहाँ से आए हो? गुजरात से आए हैं, अहमदाबाद से। ओके, ये आए हैं गुजरात से, अहमदाबाद से। और इनके पास इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हर्बल है और इससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, देख सकते हो आप। ये देखिए, ये जितने भी प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल है उनके सारे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं आपको कैमरे में दिखा देता हूँ, ये फ्लैक्स सीड्स और हर्बल स्प्रे, हेयर पैक, ये सारी चीज़ें हैं। और इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा सर, नाइस टू मीट यू। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये मिट्टी से बना हुआ तावा है। इसका जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 100 रुपये का। ये है मिट्टी का बना हुआ बोतल,
तो आप देख सकते हो इसका जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 100 रुपये का। और ये है गिलास, एक पीस पड़ेगा 10 रुपये का। और ये है चिड़िया जिसके थ्रू बजती है सीडी, इसका प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 50 रुपीज़ का। वो इसलिए महंगा पड़ेगा बिकॉज इसका जो साइज़ है काफ़ी छोटा है और इसमें जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा लगती है, इसकी वजह से इसका जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा है, 50 रुपीज़ का है। यहाँ से आप बजा सकते हो इसको, कितना क्यूट सा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो देखा अभी आपने, अंडी जी ने बजाया इसको। अंडी जी ये कितने का पड़ेगा, छोटा वाला अंडी, ये वाला? ये पड़ेगा 50 का, ये पड़ेगा 100 का, ये पड़ेगा 150 का। तो दोस्तों ये है शिवराज, ये है बेरूलाल, तो इनके पास है प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट, ये लेमन टी। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये है लेमन टी। मेरा नाम है शिवराज गोजर, गाँव टेकला जयपुर से रहने वाला हूँ मैं। ये हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नेत्रुल, जैसे ये हमारी लेमन टी, मसाला लेमन टी बोलते हैं इसको, जो हमारे हर्ब्स के प्रोडक्ट होते हैं, इसमें हम हर्ब्स को पसाई करके ग्राइंड करके उसका मसाला बनाते हैं, जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, अदरक, जिंजर, अश्वगंधा, तुलसी, ऐसे मिस्टी भी है वो करते हैं हम, ग्राइंड करके इसकी पसाई कर देते हैं विदाउट शुगर, नो केमिकल। इसमें हम ये लीप है ना, ये लीप मीठी होती है, इसको हम ग्राइंड करते हैं इसके अंदर, तो ये लीप आता है, ये पत्ती आती है, इसकी ग्राइंड करके हम इसको ऐड कर देते हैं, तो नो केमिकल हो गया, विदाउट शुगर हो गया। ये हमारे जूसिंग है, ये जूस है, ये लीप वाली जो आपको दिख रहा हूँ ना, डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ये, जो आप इसमें चाय में भी ऐड कर सकते हो, खीर में भी ऐड कर सकते हो, दूध के अंदर भी ऐड कर सकते हो आप इसको। दो या तीन पत्ती डालना होगा आपको, चीनी की आवश्यकता नहीं, फिर बाद में चीनी मान लो आप इसको, चीनी से 50% ज़्यादा होती है ये, 50% चीनी से मीठा होती है, दो या तीन पत्ती डालने से मीठा हो जाता है और विदाउट शुगर। ये हमारे जूसिंग है, और ये किसी ओबेसिटी केयर ये आता है, जो वेट बढ़ जाता है किसी का, तो वेट कम करने के लिए ये ओबेसिटी केयर बनाया जाता है। नीम जूस है, ये भी एक आयुर्वेदिक है। हमारे करेला, आठ गेयर, नोनी, हमारे हर्ब्स के प्रोडक्ट है। हमारे बहुत सारे ये इसके कॉस्मेटिक है, 80-50-100 से ऊपर प्रोडक्ट बनाए रखे हैं। तो दोस्तों आप मेरे बैक साइड देख सकते हो, ये हॉल नंबर 9 और 10। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कहाँ, अंदर की तरफ, और देखते हैं अंदर का नज़ारा। तो दोस्तों हम कर चुके हैं अंदर एंटर नंबर 9 और 10। तो आप देख सकते हो जैसे ही आप एंटर करोगे आपको बिल्कुल सामने दिखेगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये अंदर का नज़ारा। और आज बहुत ज़्यादा रश, और ये जो मेला है वो आपको मैं बता ही चुका हूँ कब से कब तक लगा हुआ है मेला। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये है तेल निकालने की मशीन, और इसका प्राइस क्या पड़ेगा भैया? ये जो मशीन है 18,500 की है, और ये है 16,000 की। तो इससे हम कौन कौन से प्रोडक्ट से तेल निकाल सकते हैं? तो आप इससे तिल का तेल, मूंगफली का तेल, बादाम का तेल, ये सारे तेल आप निकाल सकते हो, और ये इसका प्रोसेस है। आप देख सकते हो ये निकल गया है तेल, ये किस चीज़ का तेल है भैया? ये सरसों का तेल, ये है सरसों का तेल, ये येलो मस्टर्ड, और आप देख सकते हो ये है सरसों का तेल जो मैंने अभी आपको दिखाया है। और इसका मैंने जो प्राइस आपको बता चुका हूँ कितने का है, इसका भी प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है और आप घर में निकालना चाहते हो तो तेल आप ये ले सकते हो यहाँ पे आके। और कौन सा पड़ेगा भैया स्टॉल? सोनार के नाम से, इनका जो स्टॉल है सोनार के नाम से है। तो दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे का नज़ारा। इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। आप मेरे बिल्कुल सामने देख सकते हो फेमस ऑफ गुजरात रोस्टेड नमकीन। तो यहाँ आपको गुजरात की रोस्टेड नमकीन देखने को भी मिल जाएगी, खाने को भी मिल जाएगी, बट उसके लिए पैसे पे करने पड़ेंगे, फ्री में नहीं मिलेगी। मेरा नाम राजू है सर, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मेरा, राजकोट गुजरात। ये अलग अलग वैरायटी की मेरी राजकोट की नमकीन है, जो भी रोस्टेड है, विदाउट ऑयल है, जो भी एक बार खाने के बाद दोबारा उनको आना ही आना है यहाँ पे। हम हर साल हमारा प्रगति मैदान में स्टॉल लगता है, ऑल इंडिया अपना एग्जीबिशन का काम है। नमकीन विदाउट ऑयल रोस्टेड आप भी टेस्ट कर सकते हैं, और बंदे भी आओ और आप भी आओ,
यहाँ पे आपके नाम से जो भी आएगा आपके यूजर से उसको हम अलग डिस्काउंट देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो इनका स्टॉल है वो गुजराती नमकीन स्टॉल, सारे नमकीन जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे सारे रोस्टेड मिलेंगे, बिल्कुल भी इसमें ऑयल देखने को नहीं मिलेगा। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये वाला जो नमकीन है वो कौन सा है और इसका क्या नाम है? इसका नाम पालक पुदीना स्टिक है। ये पुदीना स्टिक है और ये सोयाबीन कौन से बनता है? बाहर लेते हैं आप वो चावल आटे की रहती है, ये प्योर कौन की होती है? तो आप देख सकते हो ये प्योर कौन की है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसका जो प्राइस है वो क्या पड़ेगा एक किलो का? ये सर एक किलो 400 रुपीज़ की है। अगर आपके यूट्यूब के हिसाब से आते हैं आपके चैनल के हिसाब से आएंगे तो आपको हम उनको 350-300 में दे देंगे। तो आप देख सकते हो इसका जो प्राइस है वो पड़ेगा 400 का। अगर आप मेरे थ्रू आते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये नमकीन कौन सी है? ये है बटर चकली, मूंग दाल की बनती है। ओके, ये बनती है मूंग दाल की। और बाहर लेते हैं आप चावल की आती है वो, ये बाकी यहाँ पे हम लोग मूंग दाल के बनाते हैं, गुजरात की स्पेशल आइटम है सारे। ये जितने भी आप प्रोडक्ट देते हो सारे गुजरात की स्पेशल आइटम है। आपसे मैं जानना चाहता हूँ सर इसका जो प्राइस पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? सर ये भी 400 रुपीज़ की है लेकिन आपके माध्यम से हमसे आएंगे वो कोई भी आए उनको हम डिस्काउंट देंगे, अलग से डिस्काउंट देंगे। ओके, तो अगर कोई मेरे चैनल के थ्रू आता है तो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। बिल्कुल, वैसे इसका जो प्राइस है वो 400 है। तो ये है और ये चीज़ है सबसे स्पेशल आइटम हमारी गुजरात की, राजकोट की सबसे स्पेशल आइटम है। तो आप देख सकते हो गुजरात की सबसे स्पेशल आइटम है। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम फुलवड़ी है। ये मूंग दाल तिल गुड़ काली मिर्च धनिया सौंफ से बनता है, इसमें बेसन आटा कुछ भी नहीं आता, ओनली मूंग दाल से स्पेशल बनती है। तो आप देख सकते हो ये स्पेशल बनती है, सबसे ज़्यादा चलने वाली आइटम हमारी यही है पूरा ऑल इंडिया में। तो आप देख सकते हो ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट इनका यही चलता है। इसका प्राइस क्या पड़ेगा सर एक किलो के हिसाब से? 400 रुपीज़ की है लेकिन आपके माध्यम से आएंगे तो उनको हम कम करके ही देंगे। जितने भी आप प्रोडक्ट देख रहे हो सारे 400 किलो के हिसाब से ही है, बट मेरे थ्रू अगर मेरे चैनल के थ्रू जो भी बंदा आता है उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। जी बिल्कुल, ये पापड़ भी, ये रोस्टेड विदाउट ऑयल, इसकी सेव भी देते हैं बाहर फ्राइड आती है लेकिन ये इसकी सेव भी रोस्टेड है, ये सब विदाउट ऑयल की बनती है हमारे पास। तो आप देख सकते हो बिना ऑयल की बनती है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ये है गुजराती खाकरा जो आप लोग सीरियल वगैरह में भी देखते हैं, बहुत नाम सुना हुआ खाकरा खाकरा खाकरा। और ये मिर्ची का अचार है, राजस्थानी मिर्ची है। और ये देखो खाकरा है जो आप लोग सिर्फ सीरियल में देखते हैं, यहाँ पे आके खा भी सकते हैं ले भी सकते हैं और आपके माध्यम से जो भी आएंगे उनका हमारा डिस्काउंट देंगे। ओके सर, वैसे 100 रुपीज़ की उसको 50% डिस्काउंट देंगे। तो आप देख सकते हो सर ये और बाकी जो प्रोडक्ट है कौन कौन से? ये है पानी पूरी बॉल्स, जो आप पानी पूरी खाते हैं गोलगप्पे खाते हैं उनका टेस्ट इसमें मिल जाएगा आपको ये पूरी। और ये है चीज़ बॉल्स, चीज़ बॉल पूरी कॉर्न की बनती है, चावल आटे की नहीं बनती, ओनली प्योर कॉर्न की बनती है। ओके, और ये है सोया कटोरी सोयाबीन की, बाहर से चावल की लेते हैं आप लोग बिल्कुल मज़ा नहीं आता, ऑयल में बनता है ये, विदाउट ऑयल है कोई सी भी देखेंगे। तो आप यहाँ जितने भी प्रोडक्ट देख रहे हैं इस प्रोडक्ट में ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रखा, सारे प्रोडक्ट रोस्टेड है। जैसे ये पीनट्स देख लो, ये भी रोस्टेड है। भरूच सिंह है ये, गुजरात का सिर्फ नाम है, इसके नाम से ही बिकते हैं भरूच सिंह। भरूच सिंह हाँ, राजकोट की स्पेशल आइटम है सारी। और देख सकते हो काफ़ी अच्छी क्वालिटी रखी हुई है इन्होंने और क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रखा इन्होंने। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप इनकी शॉप में आते हो तो ज़रूर खरीदिए क्योंकि इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रखा, इस्तेमाल नहीं कर रखा। ये देखिए मैं आपको एक बार प्रॉपर शॉप दिखा देता हूँ, आपको एक बार मैं घूम के प्रॉपर दिखा देता हूँ कि इनकी जो शॉप है कितनी बड़ी और कितनी लंबी है। सबसे पहले तो मैं इनका स्टॉल दिखाता हूँ किस नाम से है। आप देख सकते हो जो इनका स्टॉल है वो फेमस ऑफ गुजरात रोस्टेड नमकीन के नाम से है। ये इनका स्टॉल काफ़ी बड़ा स्टॉल है देख सकते हो आप, और इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। क्या नाम बताया सर आपने अपना? इनका नाम राजू है और इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू सर। ओके, तो मैं अपने व्यूअर्स को सजेस्ट करूंगा और कहूंगा कि वो एक बार यहाँ पे आए और यहाँ की जो नमकीन है उनको टेस्ट करे। यह श्री श्याम तिल पाठी उद्योग बिस्किट और गजक, तो आपको यहाँ पे बिस्किट और गजक लिखने को मिल जाएंगे। ये क्या है भैया? ये राजस्थानी तिल पट्टी है। एक डब्बा कितने का पड़ेगा ये वाला? ये 300 का। ये क्या है भैया? अच्छा ये आप ये जो डब्बा है ना इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट है ये है और इसका मैं प्राइस बता ही चुका हूँ, 300 का ही है ये। ये राजस्थान का काफ़ी फेमस है। और इसके अलावा आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? तो आप देख सकते हो तिल गुड़ और देसी घी से बनाया जाता है। और कितने का आधा आधा किलो? 500 का आधा किलो, 500 का। क्या इसको गजक बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेवा बाटी। इसको मेवा बाटी बोलते हैं, गजक नहीं बोलते क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ी देर के लिए। ये मेवा बाटी काफ़ी फेमस है, जयपुर की है। ये राजस्थानी रेवड़ा, तो आप देख सकते हो ये आधे किलो पड़ेगा आपको 300 का। ये राजस्थानी मेवड़ा है और काफ़ी फेमस है, इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। ओके बाय।
तो आप देख सकते हो सर ये है मिल्क शेक का पाउडर, तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। 200 की तीन पड़ेंगे भैया, 200 की तीन पड़ेंगे ना, 200 की तीन। ओके ठीक है, तो 200 की तीन पैकेट आप देख सकते हो, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। एक बार मैं टेस्ट करके देखता हूँ इसका जो टेस्ट है वो कैसा है। इसका जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे पी के, तो मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। काफ़ी लंबा स्टॉल है और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में आपको मिल जाएंगे। और इनका जो स्टॉल है वो मिल्क ओ मिक्स के नाम से स्टॉल है। तो आप देख सकते हैं मल्टीग्रेन बार चॉकलेट है। इसका प्राइस क्या पड़ेगा भैया? ये जो आप बॉक्स देख रहे हो इसका जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 400 का। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसी के हैं, तो आप देख सकते हो। ये क्या है? आलमंड। ये आलमंड और ये है डार्क, तो आप देख सकते हो ये आलमंड है, ये डार्क है, ये इसी के अंदर का प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट है ये वाला, ये इसी के अंदर का ही होगा। तो आप देख कितने पीस होंगे इसके अंदर ये, तो आपको इस तरीके के इस बॉक्स के अंदर 10 पीस देखने को मिल जाएंगे। और ये जो बॉक्स है वो 400 का मैं आपको बता ही चुका हूँ। क्या नाम है आपके स्टॉल का, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो आप देख सकते हो ये इनका स्टॉल। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कहाँ आगे, इधर देखते हैं आगे का नज़ारा। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी क्रिएटिविटी है, कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। मन कर रहा है यार इनमें से एक परचेज करके अपने घर ले जाऊँ। और ये सारे जो प्रोडक्ट है वो मेटल से बने हुए हैं। आपको यहाँ पे हर प्रकार के मसाले मिल जाएंगे, चाहे आप छोले मसाला लो, पनीर मसाला लो, पंजाबी छोले ले लो, किचन किंग मसाला ले लो। तो आप देख सकते हो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे। और ये जो कंपनी है वो है टाटा की कंपनी है। तो दोस्तों ये है रितेश जी, और इनसे जानते हैं इनके पास जो पिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये जो पिकल्स है, ये कटल, इसका क्या प्राइस पड़ेगा? ये 70 का 250, मतलब 250 ग्राम पड़ेगा 70 रुपीज़ का। तो आप 250 ग्राम लेना चाहते हो वो पड़ेगा 70 रुपीज़ का। ये कौन सा सर? ये मीठा आम का चुंदा है। इसका प्राइस क्या पड़ेगा 250 ग्राम? सबका जो प्राइस आप देख सकते हो सेम है, 1 kg पे 250 लग जाएगा। तो आपको ये डिस्काउंट दे देंगे 1 kg पे 250 का। तो आप देख सकते हो, हाँ मेरी तरफ से जो भी आएगा उनको और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो ये रितेश जी, वो उनके भाई क्या नाम बताया आपके अपना, विनीत, वो विनीत जी। तो आप देख सकते हो इनके पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, जैसे ये गार्लिक हो गया, लहसुन हो गया, ये कौन सा भैया? नींबू का। ये लेमन, ये नींबू का हो गया, ये खट्टा मीठा नींबू आप देख सकते हो। ये साउथ का आम है, आप देख सकते हो ये जो आम है वो साउथ का आम है। ओके, और ये टीट का अचार होगा, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला है, ये लेसुआ है। आप ये मत समझना टीट का अचार ये लेसुआ है, एक्चुअल में टीट का अचार ये वाला है। तो आप देख सकते हो ये क्या है भैया? ये आम का मीठा वाला है। अच्छा, तो आप देख सकते हो दोस्तों ये जो आम का अचार है वो गला हुआ आम का अचार है, मीठा वाला। तो दोस्तों आगे देखते हैं कौन कौन सी वैरायटी है इनके पास। ये कौन सा? ये मिर्च का अचार, ये है मिर्च का अचार। ये वाला कौन सा बता रहे भैया? राहुल केलाम। तो आप देख सकते हो ये राहुल केलाम है, और ये केरल की मिर्च है, बहुत ज़्यादा फेमस है, आप देख सकते हो। ये कौन सा भैया? ये करेला का अचार। तो आप देख सकते हो इनके पास इतनी सारी वैरायटीज है, मुँह में मेरे को तो देखिए मुँह में पानी आ रहा है। तो दोस्तों आपको भी देखिए मुँह में पानी आ रहा होगा, तो जल्दी से यहाँ पे आइए और यहाँ पे आके परचेज़ कीजिए। तो इनके पास और भी वैरायटीज़ है, जैसे नमकीन्स हो गए, और ये क्या है? ये चिंदी पापड़ हो गए, ये मूंग पंजाबी लिखा हुआ है, ये मूंग पंजाबी है, ये चना लहसुन है आप देख सकते हो, ये सिंधी पापड़ है। तो सर इसका प्राइस क्या पड़ेगा? तो सबका सेम प्राइस है, आप देख सकते हो जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट है उन सबकी जो प्राइस है बिल्कुल सेम है, 80 रुपीज़ का पड़ेगा। और इसके अंदर कितने पापड़ होंगे पीस? इसके अंदर जो आपको पीस मिलेंगे वो मिलेंगे 10। तो आप देख सकते हो इसके अंदर 10 पीस मिलेंगे। और इनके पास नमकीन्स भी है, ये जैली है,
ये है जैली, ये है कच्चा आम और ये कच्ची इमली, ये कच्ची इमली है। और ये क्या है सर? और आप देख सकते हो ये शहद आंवले का बना हुआ लड्डू है। तो ये लड्डू है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। एक डब्बे का प्राइस क्या पड़ेगा सर? 150। इसका जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 150 का। ये है सारी चटनी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी चटनीज भी हैं। ये इमली की चटनी है सर, ये है इमली की चटनी। और ये वाली चटनी कौन सी है? ये नींबू की चटनी है, ये आम की चटनी है, लहसुन चटनी है, ये आंवले की चटनी। ये वाली चटनी, ये मेथी का अचार है। तो आप देख सकते हो अचार के अलावा इनके पास चटनी भी है। और ये अदरक की कैंडी है, ये कैंडी है अदरक की, आप देख सकते हो ये अदरक की कैंडी है। और ये है मेथी का अचार। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो मेथी का अचार है वो कड़वा तो नहीं होगा? अच्छा खट्टा है। अच्छा तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी कड़वा नहीं है, आप ले सकते हो। और देखने में कितना सुंदर लग रहा, तो खाने में कितना सुंदर होगा। और आप देख सकते हो इनकी शॉप कितनी अच्छे तरीके से उन्होंने डेकोरेट कर रखा है, और जो इनके प्रोडक्ट है प्रॉपर मेंटेन कर रखे हैं इन्होंने, सीरीज में लगा रखे हैं। ये देखिए ये सारी चटनी होगी, ये सारी आप देख सकते हो चटनियाँ। उस तरफ पड़ेगा आपका पिकल्स और यहाँ पे नमकीन्स। तो आप देख सकते हैं नमकीन्स है। नमकीन्स का प्राइस क्या पड़ेंगे सर? 150 सारा पैकेट, हाफ केजी पड़ेगा 150 का, देख सकते हो। और आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा रितेश जी, नाइस टू मीट यू। आपका नाम क्या सर? विनीत। इनसे भी मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, ओके नाइस टू मीट यू।